नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश इनाने आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इनाने एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2016 से संबंधित। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बड़ा क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ कि क्या आप घर बैठे सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 की नियुक्ति ले सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये नियुक्ति आपको घर बैठे मिल सकती है। जैसा कि आपको पता है कि जो कोर्ट से फैसला आया था कमेटी बनने का, वो 20 तारीख से था और जो निर्णय आए लगभग आप देख सकते हैं 15 तारीख को, 15 से 20 अर्थात 25 दिन आरपीसी ने लगा दिए हैं केवल और केवल रिजल्ट को रिवर्स करने में, वो भी किस लिए, जब आप घर बैठे थे। अगर आप घर न बैठ के आप वहाँ पर जाते हैं तो ये 5-7 दिन में काम हो सकता था, जिसे आरपीसी ने लगभग आप बोल सकते हैं कि 25 दिन में ये काम किया है। तो आप देख सकते हैं कि घर बैठे आप कितनी आसानी से ये नियुक्ति ले सकते हैं। अगर आप अब भी घर बैठे रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही धीरे वर्क करेंगे और 25 से 20 दिन लगाएंगे जितने में वापस स्टे आ जाएगा भर्ती पर। स्टे लाने वाले तैयार बैठे हैं, ग्रुप बना लिया है, कोर्ट में याचिकाएँ लगने वाली है और स्टे वापस आ जाएगा और आप घर बैठे रह जाओगे और नियुक्ति नहीं मिलेगी। जिन जिन सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है वो सभी बीकानेर पहुंचने की कोशिश करें, बीकानेर में रेस्ता वालों का धरना चल रहा है और वहां उनके साथ ही हमारी मांग है और हमारा धरना भी उन्हीं के साथ चल रहा है, तो वहां आए और अपनी बात को उठाएं ताकि जल्दी से जल्दी हो सके। और साथ ही जो अजमेर से आसपास के अभ्यर्थी हैं वो 2-4 दिनों का ग्रुप बनाकर आरपीसी जाए और वहाँ से अभ्यर्थना बीकानेर भेजाएँ, जिससे कि हमारी नियुक्ति का कार्य आगे बढ़ सके। और वरना आप देखते रह जाएंगे और इस्टे आ जाएगा वापस और वापस आप धरने के लिए आओगे। अभी नहीं आ रहे हो लेकिन उस टाइम आना पड़ेगा मजबूरी में, लेकिन अगर आप अभी आ जाते हो तो आपको 5 से 7 दिन में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। वैसे भी जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि बीकानेर निदेशालय द्वारा ऑफलाइन मंडल आवंटन किया जाएगा, भराया जाएगा मंडल, तो उसमें भी आपको वहाँ बीकानेर जाकर भराना पड़ेगा। तो आप पहले भी वहाँ जाकर आसानी से धरना दे में धरना में बैठ जाएं और वहाँ से मंडल चॉइस भर लें। और साथ ही साथ आप फॉर्म चेक भी बीकानेर जाकर आसानी से कर सकते हैं। और जो बहुत ही दूर अभ्यर्थी हैं जो बीकानेर नहीं जा सकते हैं फॉर्म चेक करने से संबंधित, वो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने रोल नंबर और नाम और डिस्ट्रिक्ट नाम लिख के भेज सकते हैं, जिससे कि मैं कल खुद बीकानेर धरने पर जा रहा हूँ तो वहाँ पर हो सकता है उनको फॉर्म चेक कर सकता हूँ। आप संबंधित जानकारी इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं खुद कल बीकानेर निकल रहा हूँ धरने के लिए और आप सभी से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक बीकानेर धरने पर आएँ ताकि वहाँ पर अधिक से अधिक बीकानेर निदेशालय पर दबाव बने और हमारी नियुक्ति है वो 5 से 7 दिन में हो जाए, वरना नियुक्ति 1-2 महीने तक नहीं होगी और इतने में स्टे वापस आ जाएगा, क्योंकि स्टे लाने वाले तैयार बैठे हैं। क्योंकि रिवाइज आपको पता है कि हिंदी और साइंस कर नहीं हुआ था और इसमें जो अभ्यर्थी पहले से चयनित है वो अभ्यर्थी वापस कोर्ट जाने के लिए तैयार है। और आप सोच रहे होंगे कि एक बार रिवाइज रिजल्ट होने के बाद वापस रिवाइज रिजल्ट नहीं होता है, क्यों नहीं हो सकता है, अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे और फिर कमेटी बैठा देंगे और फिर रिवाइज रिजल्ट होता है, ऐसा होता आया है और आगे भी होता रहेगा। और अगर आप घर बैठे रहेंगे तो स्टेप मिलता रहेगा और आगे भी मिलेगा, और आप घर बैठे रह जाओगे और नियुक्ति नहीं मिलेगी। मैं आप सभी से बार बार निवेदन कर रहा हूँ, साथ ही अजमेर में भी धरना हो सकता है कि जल्द जारी स्टार्ट करना पड़े, क्योंकि वहाँ पर भी वर्क बहुत ही धीरे गति से हो रहा है और इसके लिए एक अलग से डेट जारी कर दी जाएगी। लेकिन बीकानेर में आपका धरना चल रहा है तो आप बीकानेर ज़रूर पता रहें, मैं खुद कल बीकानेर जा रहा हूँ। मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि अभ्यर्थियों तक वीडियो पहुँचे और वो अभ्यर्थी वहाँ बीकानेर धरने पर दबाव बनाने के लिए ज़रूर पधारें। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप नियुक्ति लेनी है तो आप वहाँ पहुँचें, नहीं तो आपको नियुक्ति नहीं मिले। खासकर मैथ के अभ्यर्थी जो कि बिल्कुल ही किसी धरने में नहीं आते, हम 3-4 मैथ के अभ्यर्थी हैं जो हर धरने में जाते हैं, इसके अलावा कोई भी मैथ का अभ्यर्थी कभी भी किसी धरने में मुझे नहीं मिला है। और तो मैथ के अभ्यर्थी तो बिल्कुल धरने में आते ही नहीं है, तो उनसे मैं कहूँगा कि आपको ज्वाइनिंग नहीं लेनी है क्या? हो सकता है कि आप बैठे रह जाओगे और ये संस्कृत और हिंदी वाले अपनी ज्वाइनिंग लेकर चले जाएंगे और मैथ वाले पीछे ही रह जाएंगे। तो मैथ के अभ्यर्थियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप तो कम से कम धरने पर जरूर आएँ, और साथ ही जिनके रिजल्ट जो कि आपको संस्कृत और हिंदी के आ चुके हैं उनको भी निवेदन करूंगा कि आप अधिक से अधिक आएँ। और कल हो सकता है कि सभी के रिजल्ट आ जाए, तो जिनके रिजल्ट रिवाइज आते हैं
वो जल्द से जल्द वहां पहुंचे और दबाव बनाए जिससे कि हमारा कार्य जल्दी से जल्दी हो सके। तो यह था आज का वीडियो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द हो, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर होगा वीडियो उतने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेंगे और वहाँ अधिक से अधिक अभ्यर्थी आएंगे और हमारा दबाव बनेगा। और आपके अब भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।